अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की ख्यालों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि कदर दुरिया के साथ बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती गहरी हो गई है, जिसके बाद कदर की सास उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। कदर की सास को मशवरा भी देती है, उसकी हमदर्द भी हैं। कदर की सास यही कहती है कि बेटा आजकल इस दुनिया में, आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो तो खुदा तरस होते हैं, किसी के साथ बिना मतलब हमदर्दी करते हैं, एहसान जताते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई एक आदमी ऐसा होगा, मतलब सब लोग मतलब के रिश्ते होते हैं। कदर अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद कदर को कुछ ना कुछ ऐसा मालूम हो जाएगा कि दुरिया के बारे में, कि दुरिया जो वासी की वाइफ है और ये सब कुछ वो अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए कर रही है, जिसके बाद दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत परेशान हो जाएगी और जिसके बाद यही कहेगी कदर यही कहेगी दुरिया से कि दुरिया ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ एहसान किया, हमदर्दी की, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया, यानी दुरिया ने जो कुछ भी किया कदर के साथ अपना फ़ायदा अपने मतलब के लिए किया। बेचारी कदर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, यही कहेगी कदर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कुछ आज तुम मेरे साथ दोस्ती निभा रही हो, एहसान कर रही हो मुझ पर, हमदर्दी जतला रही हो बिना किसी मकसद के, लेकिन तुम्हारा तो इसमें अपना मकसद था, अपनी सोच थी, इसलिए मेरे साथ कुछ कर रही थी अपने मतलब के लिए। दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, कदर के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगी, जिसके बाद वो कदर से माफ़ी मांगे और कहेगी कदर तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और दोस्त के नाते सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। लेकिन कदर का एतमाद और भरोसा जो है ख़त्म हो गया है दुरिया पर, वो यही कहेगी अब मुझे किसी पर एतमाद और भरोसा नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, और ये सब कुछ वासे को पता चलेगा, वासे दुरिया को फ़ोन करेगा, दुरिया बेचारी बहुत अपसेट हो जाएगी। ये ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कितनी तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी से तो नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की ख्यालों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आज के मैं आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि कदर दुरिया के साथ बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती गहरी हो गई है, जिसके बाद कदर की सास उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। कदर की सास को मशवरा भी देती है, उसकी हमदर्द भी हैं। कदर की सास यही कहती है कि बेटा आजकल इस दुनिया में, आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो तो खुदा तरस होते हैं, किसी के साथ बिना मतलब हमदर्दी करते हैं, एहसान जताते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई एक आदमी ऐसा होगा, मतलब सब लोग मतलब के रिश्ते होते हैं। कदर अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद कदर को कुछ ना कुछ ऐसा मालूम हो जाएगा कि दुरिया के बारे में, कि दुरिया जो वासी की वाइफ है और ये सब कुछ वो अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए कर रही है, जिसके बाद दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत परेशान हो जाएगी और जिसके बाद यही कहेगी कदर यही कहेगी दुरिया से कि दुरिया ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ एहसान किया, हमदर्दी की, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया, यानी दुरिया ने जो कुछ भी किया कदर के साथ अपना फ़ायदा अपने मतलब के लिए किया। बेचारी कदर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, यही कहेगी कदर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कुछ आज तुम मेरे साथ दोस्ती निभा रही हो, एहसान कर रही हो मुझ पर, हमदर्दी जतला रही हो बिना किसी मकसद के, लेकिन तुम्हारा तो इसमें अपना मकसद था, अपनी सोच थी, इसलिए मेरे साथ कुछ कर रही थी अपने मतलब के लिए। दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, कदर के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगी, जिसके बाद वो कदर से माफ़ी मांगे और कहेगी कदर तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और दोस्त के नाते सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। लेकिन कदर का एतमाद और भरोसा जो है ख़त्म हो गया है दुरिया पर, वो यही कहेगी अब मुझे किसी पर एतमाद और भरोसा नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, और ये सब कुछ वासे को पता चलेगा, वासे दुरिया को फ़ोन करेगा, दुरिया बेचारी बहुत अपसेट हो जाएगी। ये ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कितनी तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें,
अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि कदर दुरिया के साथ बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती गहरी हो गई है, जिसके बाद कदर की सास उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। कदर की सास को मशवरा भी देती है, उसकी हमदर्द भी हैं। कदर की सास यही कहती है कि बेटा आजकल इस दुनिया में, आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो तो खुदा तरस होते हैं, किसी के साथ बिना मतलब हमदर्दी करते हैं, एहसान जताते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई एक आदमी ऐसा होगा, मतलब सब लोग मतलब के रिश्ते होते हैं। कदर अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद कदर को कुछ ना कुछ ऐसा मालूम हो जाएगा कि दुरिया के बारे में, कि दुरिया जो वासी की वाइफ है और ये सब कुछ वो अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए कर रही है, जिसके बाद दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत परेशान हो जाएगी और जिसके बाद यही कहेगी कदर, कदर यही कहेगी दुरिया से कि दुरिया ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ एहसान किया, हमदर्दी की, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया, यानी दुरिया ने जो कुछ भी किया कदर के साथ अपना फ़ायदा अपने मतलब के लिए किया। बेचारी कदर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, यही कहेगी कदर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कुछ आज तुम मेरे साथ दोस्ती निभा रही हो, एहसान कर रही हो मुझ पर, हमदर्दी जतला रही हो बिना किसी मकसद के, लेकिन तुम्हारा तो इसमें अपना मकसद था, अपनी सोच थी, इसलिए मेरे साथ कुछ कर रही थी अपने मतलब के लिए। दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, कदर के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगी, जिसके बाद वो कदर से माफ़ी मांगे और कहेगी कदर तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और दोस्त के नाते सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, लेकिन कदर का एतमाद और भरोसा जो है ख़त्म हो गया है दुरिया पर, वो यही कहेगी अब मुझे किसी पर एतमाद और भरोसा नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, और ये सब कुछ वासे को पता चलेगा, वासे दुरिया को फ़ोन करेगा, दुरिया बेचारी बहुत अपसेट हो जाएगी। ये ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि कदर दुरिया के साथ बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती गहरी हो गई है, जिसके बाद कदर की सास उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। कदर की सास को मशवरा भी देती है, उसकी हमदर्द भी हैं। कदर की सास यही कहती है कि बेटा आजकल इस दुनिया में, आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो तो खुदा तरस होते हैं, किसी के साथ बिना मतलब हमदर्दी करते हैं, एहसान जताते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई एक आदमी ऐसा होगा, मतलब सब लोग मतलब के रिश्ते होते हैं। कदर अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद कदर को कुछ ना कुछ ऐसा मालूम हो जाएगा कि दुरिया के बारे में, कि दुरिया जो वासी की वाइफ है और ये सब कुछ वो अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए कर रही है, जिसके बाद दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत परेशान हो जाएगी और जिसके बाद यही कहेगी कदर, कदर यही कहेगी दुरिया से कि दुरिया ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ एहसान किया, हमदर्दी की, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया, यानी दुरिया ने जो कुछ भी किया कदर के साथ अपना फ़ायदा अपने मतलब के लिए किया। बेचारी कदर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, यही कहेगी कदर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कुछ आज तुम मेरे साथ दोस्ती निभा रही हो, एहसान कर रही हो मुझ पर, हमदर्दी जतला रही हो बिना किसी मकसद के, लेकिन तुम्हारा तो इसमें अपना मकसद था, अपनी सोच थी, इसलिए मेरे साथ कुछ कर रही थी अपने मतलब के लिए। दुरिया बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, कदर के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगी, जिसके बाद वो कदर से माफ़ी मांगे और कहेगी कदर तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी
नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और दोस्त के नाते सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, लेकिन कदर का एतमाद और भरोसा जो है ख़त्म हो गया है दुर्गा पे। वो यही कहेगी अब मुझे किसी पे एतमाद और भरोसा नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। और ये सब कुछ वासे को पता चलेगा, वासे दुर्गा को फ़ोन करेगा, दुर्गा बेचारी बहुत अपसेट हो जाएगी। ये ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी से तो नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि कदर दुर्गा के साथ बहुत ज़्यादा उसकी दोस्ती गहरी हो गई है, जिसके बाद कदर की सास उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, कदर की सास को मशवरा भी देती है, उसकी हमदर्द भी हैं। कदर की सास यही कहती है कि बेटा आजकल इस दुनिया में, आजकल के दौर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो तो खुदा तरस होते हैं, किसी के साथ बिना मतलब हमदर्दी करते हैं, एहसान जताते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो कोई एक आदमी ऐसा होगा, मतलब सब लोग मतलब के रिश्ते होते हैं। कदर अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद कदर को कुछ ना कुछ ऐसा मालूम हो जाएगा कि दुर्गा के बारे में, कि दुर्गा जो वासी की वाइफ है और ये सब कुछ वो अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए कर रही है, जिसके बाद दुर्गा बेचारी बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत परेशान हो जाएगी, और जिसके बाद यही कहेगी कदर, कदर यही कहेगी दुर्गा से कि दुर्गा ये सब कुछ जो तुमने मेरे साथ एहसान किया, हमदर्दी की, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया, यानी दुर्गा ने जो कुछ भी किया कदर के साथ अपना फ़ायदा अपने मतलब के लिए किया। बेचारी कदर बहुत ज़्यादा परेशान होगी, यही कहेगी कदर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कुछ आज तुम मेरे साथ दोस्ती निभा रही हो, एहसान कर रही हो मुझ पर, हमदर्दी जतला रही हो बिना किसी मकसद के, लेकिन तुम्हारा तो इसमें अपना मकसद था, अपनी सोच थी, इसलिए मेरे साथ कुछ कर रही थी अपने मतलब के लिए। दुर्गा बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी, कदर के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगी, जिसके बाद वो कदर से माफ़ी मांगे और कहेगी कदर तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और दोस्त के नाते सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, लेकिन कदर का एतमाद और भरोसा जो है ख़त्म हो गया है दुर्गा पे। वो यही कहेगी अब मुझे किसी पे एतमाद और भरोसा नहीं है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। और ये सब कुछ वासे को पता चलेगा, वासे दुर्गा को फ़ोन करेगा, दुर्गा बेचारी बहुत अपसेट हो जाएगी। ये ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आपने जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी से तो नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।